लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। कभी कभी सेल्फी का शौक इतना महंगा पड़ जाता है कि उसमें जान भी चली जाती है। कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश में देखने को मिला है, जहां सेल्फी लेने के चक्कर में एक युवक और एक युवती की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के रीवा में एक युवक सेल्फी ले रहा था, इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह जलप्रपात के अंदर चला गया। 500 फीट गहरे जलप्रपात में जाने की वजह से युवक की मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के बैतूल में एक युवती सेल्फी ले रही थी, इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह झरने में जाकर गिर गई, जिसकी वजह से युवती की मौत हो गई। पहले मध्य प्रदेश के रीवा की अगर बात कर लें तो रीवा जिले के गढ़ थाना अंतर्गत लालगांव चौकी के क्योंटी जलप्रपात में घूमने आए हिमांशु सिंह, उम्र 25 वर्ष, निवासी पिपरी थाना बैकुंठपुर, जो कि अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए क्योंटी जलप्रपात आया हुआ था, इसी दौरान युवक सेल्फी ले रहा था और सेल्फी लेने के चक्कर में उसका पैर फिसल गया और पैर फिसलने की वजह से क्योंटी जलप्रपात के अंदर जा गिरा और 500 फीट गहरे जलप्रपात में जाने की वजह से युवक हिमांशु सिंह की मौत हो गई। वहीं जैसे ही यह घटना घटित हुई, तत्काल लालगांव चौकी प्रभारी संजीव शर्मा भी मौके पर पहुंचे और गोताखोरों को बुलाकर सबको ढूंढने की कोशिश की जाने लगी, लेकिन आज 48 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक सबका कोई रता पता नहीं चला है। वहीं परिजनों को भी इस बात की सूचना दे दी गई है, परिजन भी मौके पर पहुंच गए हैं, NDRF की टीम भी मौके पर पहुंच गई है, सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है, सर्च किया जा रहा है कि सब मिल जाए, सब मिलने के बाद ही आगे की कार्यवाही पुलिस के द्वारा की जाएगी। जब यह घटना घटित हुई तो वहां पर आसपास के जो सैलानी थे उनमें भी हड़कंप मच गया और सैलानियों के द्वारा तत्काल इस बात की सूचना पुलिस को दी गई थी। हालांकि सैलानियों के बीच अब यह डर बना हुआ है कि अगर सेल्फी लेते समय कोई एक भूल हो गई तो उस भूल में जान भी जा सकती है। वहीं दूसरी घटना मध्य प्रदेश के बैतूल की बताई जा रही है। बैतूल जिले के खेड़ी सावलीगढ़ के झरने पर एक छात्रा मयूरी आर्य, उम्र 22 वर्ष, अपने दोस्तों के साथ झरना घूमने के लिए आई हुई थी और झरना घूमते समय सेल्फी लेने लगी। सेल्फी लेते समय छात्रा का पैर फिसल गया और पैर फिसलने की वजह से छात्रा झरने में जा गिरी, जिससे छात्रा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मयूरी आर्या बैतूल के ही कॉलेज में सेकेंड ईयर की छात्रा है और वह अपने दोस्तों के साथ झरने पर घूमने के लिए आई हुई थी। वहीं जैसे ही छात्रा की मौत हुई, तत्काल आसपास के लोगों के द्वारा खेड़ी पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। मौके पर खेड़ी पुलिस पहुंची और सबको बरामद करके परिजनों को सौंप दिया है। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में कभी जलप्रपात पर कभी झरने पर इस तरह से घटनाएं घटित हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है और बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। सबसे बड़ा सवालिया निशान तो यह लग रहा है कि आखिरकार जलप्रपात पर और झरने पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम क्यों नहीं किए जा रहे हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश के रीवा जिले में यह घटना सामने आई है कि एक युवक सेल्फी लेते समय पैर फिसला और 500 फीट नीचे जा गिरा और गिरने की वजह से मौत हो गई। रीवा जिले की अगर बात करें तो रीवा जिले के लिए यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी रीवा जिले में कई घटनाएं हो चुकी हैं, कभी बहुती जलप्रपात में तो कभी क्योंटी जलप्रपात में तो कभी किसी अन्य जलप्रपात में, ऐसी घटनाएं आए दिन देखने को मिलती रहती हैं। वहीं इस मामले पर RTI कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी के द्वारा सरकार पर सवालिया निशान खड़े किए गए हैं। शिवानंद द्विवेदी के द्वारा साफ तौर पर बोला गया है कि अगर सरकार के द्वारा समुचित व्यवस्था कराया जाता और सैलानियों के लिए सेल्फी प्वाइंट बनाया गया होता तो आज यह घटनाएं देखने को ना मिलती। अगर बात की जाए रीवा के क्योंटी जलप्रपात और बहुती जलप्रपात की, तो यहां पर किसी भी तरह से सैलानियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। अभी पिछले साल
साल की अगर बात की जाए तो पिछले साल बहुती जलप्रपात से एक ऐसा मामला सामने आया था जिस पर कुछ दिनों के लिए तो पुलिस लगाई गई थी, और जैसे ही यह मामला ठंडा हुआ और लोगों के जहन से उतरा, फिर से वहां से पुलिस हटा ली गई। अगर बात की जाए कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस खड़ी की जाती है जिससे कि आने वाले लोगों को रोका जा सके और सैलानियों को यह समझाया जा सके, तो ये कहीं ना कहीं नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि हर जगह सुरक्षाकर्मी नहीं खड़े किए जा सकते हैं। इसके लिए आप सुरक्षा के इंतजाम कर सकते हैं और वहाँ पर रैकिंग करवा सकते हैं, वहाँ पर सेल्फी पॉइंट अलग से बनवा सकते हैं, कुछ नियम लागू कर सकते हैं जो कि सभी सैलानियों के लिए मानना अनिवार्य होना चाहिए। हर एक जलप्रपात पर अगर देखा जाए तो स्टैंड बना रहता है, पार्किंग बनी रहती है, वहाँ पर कुछ आसपास के लोग भी रहते हैं जो ग्राम पंचायत के लोग रहते हैं या फिर नगर परिषद के, नगर पालिका के लोग रहते हैं। इन्हें जवाबदेही दे दी जाए और यह बोल दिया जाए कि यहाँ पर आने वाले सैलानियों की सुरक्षा व्यवस्था की जाए, तो कहीं ना कहीं अच्छे से सुरक्षा हो जाएगी। और जिस तरह से सेल्फी लेने के चक्कर में या फिर जलप्रपात देखने के चक्कर में पैर फिसल जाता है और मौत हो जाती है, ये इस पर रोक लग सकती है, लेकिन सरकार के द्वारा और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इसे बार बार नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिस कारण से आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। अगर प्रशासन के द्वारा या फिर शासन के द्वारा पहले ही सुरक्षा के इंतजाम करवाए गए होते और सेल्फी पॉइंट बनवाया गया होता, वहाँ पर सुरक्षा के व्यवस्था किए गए होते, तो आज मध्य प्रदेश में जो दो मौतें हुई हैं इस पर रोक लग सकता था। आपको बता दें कि गढ़ थाना अंतर्गत क्योंटी जलप्रपात में हिमांशु सिंह की मौत हुई है, उस पर अभी तक 48 घंटे से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी तक सब बरामद नहीं हो पाए हैं, सिर्फ गोताखोरों को लगा दिए गए हैं और यह बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो भी होगा सबको बरामद कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक सबको बरामद नहीं किया जा सका है। अगर रीवा जिले की बात की जाए तो रीवा जिले में कुछ ऐसे जलप्रपात हैं जो कि मध्य प्रदेश में पहला स्थान रखते हैं, जिस कारण से यहाँ पर सैलानी ज़्यादातर आते हैं, लेकिन अगर यहाँ की बात की जाए तो हजारों की संख्या में सैलानी आते हैं और सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर सिर्फ शून्य है, जीरो। सुरक्षा व्यवस्था को किसी भी तरह से नहीं देखा जा रहा है, जिस कारण से आए दिन ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं। हालांकि देखना अब इसमें यह दिलचस्प होगा, क्या इसके बाद शासन और प्रशासन की नींद खुलती है और जलप्रपात पर झरने पर सुरक्षा व्यवस्था के कुछ इंतजाम किए जाते हैं, या फिर इसे भी जितने दिन तक मामला गर्म रहेगा तो यह बोला जाएगा कि कुछ ना कुछ इंतजाम किए जाएंगे और जैसे ही मामला ठंडा होगा फिर से इसे नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और ऐसे ही मौत के मुंह में लोग जाते रहेंगे। इसी के साथ मैं संवाददाता विजय तिवारी, रीवा। रीवा जिले में केवटी जलप्रपात है, यहाँ पर एक मामला भी सामने आया है। कोई एक युवा वहाँ पर सेल्फी ले रहा था और जलप्रपात में फिसल करके डूब करके उसकी डेथ हो गई है। ये केवटी जलप्रपात और इस प्रकार से जो भी जलप्रपात है, जैसे चचाई जलप्रपात और आसपास के बहुत ही जलप्रपात हैं, यहाँ ये कोई नई घटना नहीं है, इस तरह की घटनाएँ इसके पहले भी होती रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा ये मुद्दा उठता रहा है, लेकिन जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन है, जिला प्रशासन है, इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, सार्थक एक्शन नहीं ले रहा है। पहले भी पिछले वर्ष भी बात आई थी तो कुछ एक दो पुलिस वालों को वहाँ पर तैनात किया गया था थोड़े अल्प समय के लिए, लेकिन उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो वन विभाग के अंतर्गत भी केवटी जलप्रपात आता है तो वन विभाग को भी उसमें एक फेंसिंग लगानी चाहिए, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था हो कि लोग जब वहाँ पर जाते हैं तो किसी तरह से फिसलें, तो फिसलने के बाद उनको वहाँ पर रुकने का कोई प्रावधान होना चाहिए, या एक स्टॉप डैम की तरह कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जाए जिससे वो उधर फिसले नहीं, क्योंकि केवटी की जो नदी है, जो महाना नदी वहाँ से गई हुई है, उस नदी से सीधे फिसलन केवटी जलप्रपात के लिए होता है, और यदि एक बार कोई वहाँ से फिसला तो वापस ऊपर नहीं आता है। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि ये जो जिला प्रशासन है और जो वन विभाग है, इनकी बहुत बड़ी लापरवाही है। इस प्रकार की वारदातें यदि हर वर्ष होती हैं तो इसमें इनको एक्शन लेना चाहिए और इसके लिए एक विशेष व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है।